हमारे पास आ चुकी है CB200X होंडा की और इसके अंदर लंजन हमने कर चुके हैं डन, जो कि देख सकते हो आप ये हो चुकी है इसकी पूरी कंप्लीट। और इसके कंप्लीट करने के बाद आप इसके अंदर वर्क चालू कर रहे हैं, वो जैसे कि टायर अगर बैक साइड में लग चुका है जो कार्बन वाला है, क्रैश गार्ड इसमें के अंदर लगा दूसरा वाला, अब तक आपने देखा हमारा लॉन्ग वाला बढ़िया है शॉर्ट वाला, जैसे कि ऑन डिमांड हम काम करते हैं, भैया की डिमांड थी कि मुझे छोटा छोटा चाहिए तो ये इसके अंदर लगना अभी बाकी है। साथ में तो और भी वर्क है इसके अंदर, जैसे कि आपको देखने मिलेगा शॉक प्रोटेक्शन, इधर आपको मिलेगी फॉग लैंप जो कि मर्सिडीज वाली वाइवन मिलेगी, HJG ओरिजिनल, ये भी इसके अंदर लगनी बाकी है अभी। और साथ में इसमें लगना है वाइजर, और भी देखते हैं और भी एक दो काम जो भी है वो क्या करने वाले हैं इसके अंदर, वो भी देखेंगे कि क्या कराएंगे भैया, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं स्टार्ट। और थोड़ा सा बहुत देर से भैया बैठे हैं, पकड़ लेता हूँ भैया को भी। हाँ जी सर, बताइए कैसा लगा आपको? सर बढ़िया है, अभी तक तो सब कुछ मतलब नॉर्मल चल रहा है, बस थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपने लमसन खुद कराई, मैंने नहीं कराया, लमसन टाइम लगता है, वो तो एरिया हो गया ना, काम स्टार्ट हो गया। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस बढ़िया है, सब बढ़िया, सब बढ़िया, चलो जी बहुत बढ़िया। जैसे कि आप सबने देखा कि पहले इसकी जो मैंने मोटिवेशन दिखाई थी कि इसमें क्या क्या लगाने वाले थे और अब क्या क्या लगा चुका है, फाइनली देख सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर जो कि लगा देगा इसके अंदर, बहुत ही बिग साइज वाला वाइजर जो कि इसने शॉर्ट कर दिया गया, ट्रांसपेरेंट और स्मोक के अंदर आता है बट ये हमने कर दिया गया इसका ग्लॉसी ब्लैक, जो कि लुक चेकआउट करने के बाद कैसी आती है इसकी। और इसके साथ में इसमें लगा देगा इसमें वाइजर एक्सटेंडर जो कि लुक को चार चांद लगा देता है इसके अंदर। और साथ में ना इससे जो विंड है वो भी होती है पूरी तरह कंट्रोल, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दी में सर्दी नहीं गर्मी में गर्मी लगती, ये इसका बेनिफिट हो जाता है आपको। और साथ में इसमें लगा दिया देख सकते हैं, ये इसका GPS माउंट जो किसी ने इंस्टॉल कर दिया गया है। GPS माउंट लगाने के बाद ना एक तो मोबाइल होल्डर जैसे ना बोबो को लगा रखा है हमने, ये तो लगी जाता है। साथ में आप चाहो तो इसके अंदर आप GoPro लगा सकते हो, आप चाहो तो Insta360 वो भी इसके अंदर लगा सकते हो, वो भी इजीली लग जाता है इसके अंदर। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हैजार्ड, क्योंकि ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, ये देख सकते हैं। जितनी बार बटन ऑन करूँगा ना, चाबी ऑन करके बटन ऑन करते हैं, और ये देखिए जितनी बार बटन को पुश करूँगा उतनी बार ऑटोमेटिक हो जाएंगे पैटर्न्स चेंज देख सकते हो आप। लुक चेक करो कैसी आती है इसकी, और इसमें मिलता है 20-25 पैटर्न्स जो कि मिलता है आपको सिमटेक ओरिजिनल की, मिलती है आपको पूरे 1 ईयर की गारंटी और काउंटर प्लेसमेंट। और उसके बाद आपको मिलता है नीचे देखने को, ये देख सकते हो, ये है आपका HJG ओरिजिनल बाय फॉग लैम्प, ये भी इसके अंदर लगा दी गई है। और इसकी दिखाते हैं रोशनी किस तरीके रोशनी इसकी आती है, ये देखिए CNC बटन इसके अंदर लगा रखा है जो कि मिलता है आपको डोमिनो का, देख सकते हो आप। नॉर्मली क्या होता है इसके अंदर, लोग क्या प्लास्टिक का बटन लगा देते हैं पर उससे बेनिफिट नहीं होता, नुकसान ही होता है। और अब दिखाते हैं इसकी रोशनी, देखिए ये होगी इसकी येलो, ये मिलती है आपको वाइट, येलो वाइट, येलो वाइट, और देख सकते हो थ्रो कितना अच्छा है इसका। रोड पर निकलने के बाद आप समझ सकते हो ना, रोड प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इसे लगाने के बाद नाइट के अंदर। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसका शॉक प्रोटेक्शन, जिससे आपका शॉकर होता पूरी तरह सेफ, साथ में मरगार्ड हो जाता पूरी तरह सेफ। और ये है गोल्डन मैचिंग लुक, देखो कैसी आती है इसके लगने के बाद, और लुक के साथ साथ ना सेफ्टी होती है काफ़ी ज़्यादा इसकी। और गोल्डन सिलर क्योंकि इसका शॉक ऑब्जर होते हैं गोल्डन, और उसी की मैचिंग का लगा दिया गोल्डन। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसका क्रैश गार्ड जो कि मिलता है आपको फुल बॉडी क्रैश गार्ड, देख सकते फुल बॉडी सॉरी, ये आपको मिलता है थोड़ा सा शॉर्ट, जो आपने मेरी वीडियो में ज़्यादातर देखा होगा वो लॉन्ग वाला है, बट ये हल्का छोटा है क्योंकि भैया की चॉइस थी कि मुझे थोड़ा सा छोटा चाहिए लॉन्ग नहीं चाहिए, तो ये सिंगल स्लाइडर का मिल जाता है बट काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी, ऐसे नहीं लो क्वालिटी, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है जो कि आपको देखने मिल जाता है कुछ इस तरीके से। सेम इधर सेम मिलेगा आपको इस तरफ, जिससे आपका टैंक आपके खुद के लैक्स और वाइजर ये होता है इससे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और एक चीज़ और लगा दी गई इसमें हॉर्न, ये देखिए चाबी ऑन है, ये हॉर्न है क्योंकि जो इसके अंदर आता है वो TT वाला हॉर्न आता है, जो स्कूटी मोपेड वगैरह में आता है वो आता है, आपको पता है कंपनी क्या करती है कॉस्ट कटिंग करती है इसके हॉर्न के लिए, तो इसके अंदर हमने लगा दिया डबल हॉर्न जिससे साउंड हो जाता है काफ़ी इंक्रीज। और रोड पे आपको साइड ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, इधर इसमें कर दी गई इसके अंदर, देख सकते हो लैमिनेशन जो कि मिलते हैं आपको प्रॉपर फिनिशिंग वाली, क्योंकि आपको पता है हम करते हैं एक नंबर वाला काम, दो नंबर के लिए तो पूरी मार्केट बैठी है, कहीं भी जा करा सकते हो यार। और इसके बाद साथ में देखने लगी इसके अंदर, ये देख सकते हैं ये इसकी गियर शॉक जो कि आपको मिलती है, जिससे आपका शूज़ होता है सेफ पूरी तरीके से। और इधर मिलते हैं आपको लेडीज़ फुटरेस्ट, क्योंकि ये लेडीज़ फुटरेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों को लेडीज़ को ज़्यादा बिठाना है उनको ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ज़रूरत नहीं है किसी को, मत भी लो क्या दिक्कत है इसमें। इसके अंदर साथ में लगा देगा टायर का जो कि मिलता है आपको कार्बन वाला, देख सकते हो आप, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया, इसे लगाने का लुक तो इन्हेंस होती है तो पीछे बैक साइड से। बाकी सबसे बेनिफिट जो होता है वो आपका ये होता है कि इसमें ना आगे काफ़ी डस्ट वगैरह जाती है, मिट्टी जाती है, और शॉक ऑब्जर
खराब होने का खतरा होता है वो जाता है आपका पूरा पूरा रिजॉल्व। और एक चीज़ दिखाऊंगा आप इधर ही देख सकते हैं, ये इसका ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर जो इसमें लगा दिया गया है। इसे लगाने से क्या होता है आपका जो ब्रेक पैंडल काफ़ी लॉन्ग है, इसमें छोटा सा आता है, इसे लगाने से बड़ा। और आपका तो बारिश का मौसम है, अगर इसके अंदर आपका पैर स्किट हुआ कुछ हो तो ब्रेकिंग में आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उस केस में इसमें लगा दिया गया है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब मिलाते हैं भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा यार। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ कैसा लगा आपको? बताइए। बहुत बढ़िया। कितने बजे आए थे आप? 1 बजे। टाइम क्या हो रहा है? 10:03 और 12 घंटे हो जाएंगे। देखो झूठ नहीं है, 22:01। अच्छा 22:02, 2 मिनट झूठ पड़ा भैया, 10:02 हो चुके हैं यहाँ पर भैया को, तो समझो कितना टाइम हो चुका है इसके अंदर। और कहाँ से आए भैया ये बताइए? मैं नोएडा से आया हूँ, सेक्टर 49 से। नाम बताइए अपना। नाम विवेक। विवेक, आज पूरा नाम नहीं बताया। विवेक पाल। विवेक पाल जी, कैसा लगा आपको ये बताइए? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत सही है। मैं ऑलरेडी आपके पास आ चुका हूँ 2 बार, थर्ड टाइम है। बट इस बार का, इस बार थोड़ा अलग है, पहले उस दुकान पर था, पहली बार इस पर हूँ मैं। पहले छोटी शॉप पे थे, अभी बड़ी बाइक के साथ बड़ी शॉप पे। बड़ी बाइक के साथ बड़ी शॉप है, छोटी बाइक छोटी शॉप पे थे। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में? नहीं नहीं, बहुत सही है, किसी दोस्त को भेजना होगा, सजेस्ट करूंगा इस चीज़ की। और बाकी कुछ और कहना चाहेंगे? बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। सब सही है। तो थैंक यू सो मच भैया। ओके, तो ये तो भैया जिन भैया की बाइक थी, आपको कराना कोई मॉडिफिकेशन तो आप आ सकते हो अपनी आपकी अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलती है आपको दिल्ली के करोल बाग नायवेलंग के अंदर। मेरी 2 शॉप मिलेंगी आपको, एक मिलेगी आर्य समाज रोड पर और दूसरी मिलेगी आपको आर्य समाज रोड पर ही। दूसरी दोनों का समझा दो कैसा होता है, जब भी आप आते हो ना मार्केट के अंदर, मार्केट और करोल बाग में आते हो तो क्या होता है, झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के अपोजिट आपको मिलेगी विशाल मूर्ति हनुमान जी की, जो कि आपको पता ही है कि फेमस है। जब भी आप सर्च मारो हनुमान जी की बिग मूर्ति तो यहीं की आती है, वहाँ पर आपको डालना है लोकेशन। और उसके बाद वहाँ से 100 मीटर की रेंज है, क्योंकि मेरी शॉप से हनुमान जी की मूर्ति दिखते हो तो समझ सकते हो कि ज़्यादा दूर है नहीं। और जब भी आप आने का सोच रहे हैं, वहाँ आने के बाद आपको अंदर आना मार्केट के लिए, जो कि मिलेगा आपको आर्य समाज रोड। उस आर्य समाज रोड का सबसे बड़ा महत्व बता दूँ, जो हमारा रोड है ना, आप अगर गफ्फार के लिए आते हो तो भी आपको इस रोड पर आना है, बिटनपुरा के लिए तो भी ये रोड आएगा आपका, कार मार्केट तो भी यही रोड आर्य समाज रोड, और अगर बाइक मार्केट तो भी आपका यही रोड आएगा आर्य समाज रोड। तो आर्य समाज रोड याद रखोगे, पहले चौक पर ये शॉप मिलेगी, दूसरे चौक में मिलेगी दूसरी शॉप। तो दोनों शॉप अपनी जब भी आना चाहो आ सकते हो दोनों में से किसी पर भी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बाकी अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7822271714, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो कि आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, जो भी क्वारीज हो बता सकते हो, पूछ सकते हो, मंगा सकते हो। तो वीडियो चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, राजू भाई इसकी को जो कि मिलता है यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत दिन, गुड बाय।